हेलो दोस्तों एवरीवन एंड आप सबको नमस्ते। सो आपके मैंने क्वेश्चन होता है कि अल्बर्टा के रिगार्डिंग कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा प्रोविंस, डजंट मैटर आप स्टडी वीजा पे आना चाहते हो, रूरल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, LMI पे आना चाहते हो, प्री अप्रूव LMI पे आना चाहते हो या RNIP के अंदर आना चाहते हो, डजंट मैटर किसी भी वीजा पे आना चाहते हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा रजिस्टर उस पर कन्वर्ट करवाना चाहते हो, क्या मुझे अल्बर्टा प्रोविंस में आना चाहिए 2024 में, 25 में, 26 में, या मुझे PR कैसे मिलेगा अगर मैं अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर आता हूँ। तो मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा विच वीज़ा यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन इफ़ यू नीड एनी आंसर रिलेटेड टू योर प्रोफाइल और इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-on-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपके माइंड में कोई कुछ क्वेश्चन हो, एक दो कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सपोर्ट जरूर करना बाय लाइकिंग इट, बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड बाय शेयरिंग इट। शुरुआत करता हूँ अल्बर्टा प्रोविंस के रिगार्डिंग एंड बात करते हैं आज के हालात के रिगार्डिंग अल्बर्टा में। देखो अल्बर्टा में जॉब्स तो नहीं है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, चाहे आप रेड डियर में जाओ, लेड प्रे सिटी में जाओ, वाइट कोट टाउन में जाओ, चाहे आप ग्रैंड प्रेरी में जाओ, चाहे आप किसी भी एक्सपोजर जगह जाओ, इवन कैलगरी में भी जाओ, इतनी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, या अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप स्किल बेस में जॉब नहीं करते हो, मशीनरी मेडिकल फील्ड में नहीं हो, इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको आराम से जॉब मिल जाए। आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आप सोचो कि मैं फूड काउंटर अटेंडेंट वॉलमार्ट में, कैशियर में, किसी भी मैकडी में, टिम हॉर्टन में, XYZ में वर्क कर लूँ, मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा या वैसे ओपन वर्क परमिट पे, स्पॉट वीज़ा पे हो, तो इट्स नॉट दैट ईजी। इफ़ यू आर इन वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अल्बर्टा, जस्ट लेट मी नो कि आप कैसा एक्सपीरियंस रहे, बिकॉज देखो यार अप्स एंड डाउन होते हैं, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रहता है और रेफरेंस कॉन्टैक्ट आपके है या नहीं है ये सब मैटर करता है। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ जॉब, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ PR ऑल्सो। सो अब आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और मैं आपको हर कैटेगरी की रिगार्डिंग बात करूँगा, चाहे LMI हो, RNIP हो या रूरल यूनिवर्सिटी में हो, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग हो, विच वन यू हैव टू ऑप्ट। शुरुआत करते हैं स्टडी वीज़ा से। आई विल वेरी शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा, मेन पॉइंट्स में बात करूँगा। अगर आप 1 ईयर की स्टडी करो तो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेते हो, डजंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, यू आर एलिजिबल। बट फॉर द सेफर साइड आई वुड से गो फॉर द 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, और जो भी कोर्स लोगे वो क्रेडिट कोर्स ही होना चाहिए, नॉन क्रेडिट कोर्स मत लेना। अगर क्रेडिट कोर्स होगा इट विल हेल्प यू इन द PNP ऑल्सो, डेट मीन्स AAIP के अंदर भी आप फाइल कर सकते हो, अल्बर्टा एडवांटेज एमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर भी आप फाइल कर सकते हो, इट्स दैट ईजी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, आप फाइल कर सकते हो। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ क्या मेरे कितने चांसेस है टू गेट इनटू द PR, क्या मुझे कितने जल्दी PR मिल जाएगा। देखो अल्बर्टा में अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, डिफरेंट प्रोविंस से भी, आउटसाइड कैनेडा भी, और सारे अल्बर्टा ही मूवर हैं। गेटिंग अ जॉब हेयर इट्स नॉट दैट ईजी, गेटिंग अ PR हेयर इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपसे पहले लाखों लोग खड़े हैं, तो समझो बात को। और उसमें LMI वाले भी आते हैं, प्री अप्रूव LMI वाले भी आते हैं, RNIP वाले भी आते हैं, रूरल यूनिवर्सिटी वाले भी आते हैं, सब एक ही AIP के अंदर, PNP के अंदर फाइल करते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको आराम से PR मिल जाएगा। बट येस, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप रूरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज आती है और वहाँ पे या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो और स्टडी करते हो 2 ईयर्स की, चाहे 1+1 ही क्यों ना हो, आप इजीली रूरल यूनिवर्सिटी के अंदर भी फाइल कर सकते हो। वो आता है फोर्ट मैकमोरे के अंदर, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, फोर्ट मैकमोरे में, लेटविट सिटी के अंदर, ग्रैंड प्रेरी में, वाइट कोट के अंदर, तो इन जगह पे तो होता ही है, और सारी कम्युनिटीज़ भी, कब सारी कम्युनिटीज़ आती है, या किसी पब्लिक कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, आराम से आपका हो जाएगा रूरल यूनिवर्सिटी के अंदर भी। लेकिन एक चीज़ रखना, कभी भी कैनेडा में प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट में एडमिशन मत लेना, ऑलवेज गो इनटू द पब्लिक कॉलेज या पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर द सेफर साइड। प्राइवेट में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा वर्क परमिट, किसी किसी भी मिल भी सकता है लेकिन सब में नहीं मिलता, 90% में नहीं मिलता। सो राइट नाउ विल टॉक अबाउट द LMI और प्री अप्रूवल LMI। प्री अप्रूवल LMI और LMI के रिगार्डिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, वैसे इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन वॉच टू, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि होता क्या है। देखो जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे कनाडा आते हो या नहीं भी आते, अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हो वर्क परमिट के लिए, तो आपको एक LMI का डॉक्यूमेंट लगाना होता है, जिसे हम कहते हैं लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। LMI होता क्या है, जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा एम्प्लॉय नहीं मिलता, चाहे वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वर्कर हो जो कनाडा के अंदर है, या PR होल्डर है, या कैनेडियन सिटीजन है,
तो वो जब वो जॉब पोर्टल पर जॉब लगाते हैं और फिर वो IRCC से भी बोलते हैं कि भाई देखो तो ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, तो मुझे एक फॉरन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फॉरन वर्कर मुझे हायर करना है। तो वो एक डॉक्यूमेंट लगाता है LMI का IRCC के अंदर, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी फ़ीस होती है $1,000। जब वो डॉक्यूमेंट लगाता है, लगाने के बाद ESDC जो उसकी सब कैटेगरी मान लो IRCC की, दे आर द वन हु अप्रूव्ड और रिजेक्ट। अगर आपका अप्रूव हो जाता है गुड फॉर यू, नहीं होता बैड फॉर यू। अगर आप विद इन कैनेडा इट विल टेक 4 to 5 months राइट नाउ, और राइट नाउ 5-6 महीने भी ले सकते हैं, दिस इज नो टाइम श्योरिटी, ज़्यादा भी ले सकता है कम भी ले सकता है, इट्स ऑल डिपेंड कितनी फाइल्स पेंडिंग है, इट्स ऑल्सो डिपेंड आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपका क्या नॉक कोड है, आपकी क्या लोकेशन है, ठीक है। ये मैटर करती है, सब इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आप आउटसाइड कैनेडा लगा रहे हो तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, 8-10 महीने 12 महीने, उससे भी ज़्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सो प्री अप्रूवल और LMI में क्या फ़र्क होता है, जब मैं बता दिया, जब आप LMI लगाते हो तो सब कन्वर्ट करवाते हो और फाइल लगाते हो IRCC में, और ESDC आर द वन हु रिजेक्ट और अप्रूव। अब प्री अप्रूवल LMI में क्या होता है, देखो मतलब एक LMI का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें आपको अपना नाम चढ़ाना होता है, सिंपल सा। वंस आप अपना नाम चढ़ा देते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, IELTS के डॉक्यूमेंट्स, अपना पास एक्सपीरियंस, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, अपना पासपोर्ट लेके जाओगे, अपना मेडिकल करवाओगे, $415 की उसकी फ़ीस होती है। अगर अपने होम कंट्री से करवाते हो उसका अलग चार्ज होता है, यहाँ से करवाते हो तो 415। आप अप्लाई करते हो वर्क परमिट के लिए, वर्क परमिट के लिए दो तरीके से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन करोगे 2-3-4 महीने लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफलाइन करोगे यू विल गेट विद इन 10 मिनट्स, हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर। फ्लैग पुलिंग करनी होती है वर्क, उसके रिगार्डिंग बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, और आपसे 5-6-7-8 क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हो, क्या आपका पास एक्सपीरियंस था, नाम क्या, फैमिली में कितने लोग हैं, कनाडा में कोई रहता है या नहीं रहता, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी कॉन्फिडेंस, इट्स ईजी। तो फ्लैग पुलिंग करोगे, स्टैम्प हो जाएगा, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, वर्क परमिट आपके हाथ में हो जाएगा, ऑल डन। नेक्स्ट डे से आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको वहीं से टाइम स्टार्ट हो जाता है और आपका टाइम काउंट करना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द वर्क परमिट का प्रोसेस होता है। सो अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ द LMI फ्रॉम प्री अप्रूवल LMI और उसे कन्वर्ट करवाना वर्क परमिट में, आई वुड डेफिनेटली से कि प्री अप्रूवल में जाओ, बिकॉज LMI में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, होगा नहीं होगा, रिजेक्ट होगा क्या होगा, यू नेवर नो, एंड कब आएगा, 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तब तक क्या करोगे। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आई वुड से, आपका गैप भी बढ़ेगा एक्सपीरियंस में। सो ऑलवेज गो टू प्री अप्रूव LMI। और आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर मैं PR के रिगार्डिंग बात करूँ, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, सब मैटर करती है। कोई एजेंट कंसल्टेंट ये बोले हमको LMI दिलवाएंगे, उस पर हमको PR भी दिलवाएंगे, पॉसिबल नहीं है अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपकी इंडस्ट्री नॉक कोड पर आवर के वेज के हिसाब से, आपकी लोकेशन रूरल एरिया में वर्क कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स अलग पॉइंट्स मिलते हैं, सब मैटर करते हैं। अगर आप सोचो कि PR आराम से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मेनी फाइल्स आर पुट इन द EAIP के अंदर। जितनी ज़्यादा फाइल्स होगी उतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो इट्स अ यू कैन से 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, बट मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि आप LMI को छोड़ो, आप जाओ RNIP में या रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी बताता हूँ कि वाई यू हैव टू चूज देम एज कम्पेयर टू LMI। आपको LMI क्यों रिजेक्ट करना चाहिए, वाई यू हैव टू गो टू द रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम और RNIP। तो यार अब बात करते हैं रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के रिगार्डिंग, फिर मैं बात करूँगा RNIP के रिगार्डिंग। एंड सबसे वन ऑफ द बेस्ट वे है कि अगर आपको PR चाहिए कैनेडा में, और वो भी आपको सिर्फ रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के अंदर मिल पाएगा, क्योंकि रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम डेट मीन्स RS, ये सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही है। सो अगर आप इसमें फाइल करते हो डजंट मैटर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं आना कनाडा में, मत आओ, आपको अपनी होम कंट्री के अंदर बैठे बैठे भी आपको PR मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको मैं प्रोसेस समझाता हूँ। वैसे इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बना रखी है मैंने, अगर आप वो वॉच करना चाहो वो भी वॉच कर सकते हो, लेकिन आपको मैं इसमें पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि पहले आपको प्रोसेस होता क्या है, देखो इसके अंदर ना डेजिग्नेटेड कॉमोडिटीज आती है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है, आपको एक इन कम्युनिटी में से कोई ऐसा एम्प्लॉयर हो जो आपको ऑफर लेटर दे सके, और ऑफर लेटर के साथ आपको एंडोर्समेंट लेटर भी दे,
एंडोर्समेंट लेटर प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग अंडर द पीएनपी, जो पीआर के लिए आपको आगे हेल्प करेगा। आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको उसी वही एम्प्लॉयर एक आपको एंडोर्समेंट लेटर भी देगा, लेकिन उसका एक इंटरव्यू होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में होगा, वहाँ से आपको एंडोर्समेंट लेटर मिलेगा। आपको जो ऑफर लेटर और एंडोर्समेंट लेटर है वो उसको मिलने में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी बोलो एजेंट को, कंसल्टेंट को या इमिग्रेशन कंसल्टेंट को, सीधे सीधा बॉय बात करो कि मुझे वितना 1 मंथ चाहिए, तो आपको वितना 1 मंथ भी चाहिए मिल सकता है। आई विल टेल यू वन थिंग, इससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एजेंट से, कंसल्टेंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ये चीज़ है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना, मेरे को टाइम नहीं मेरा वेस्ट करना, मेरे को जल्दी से जल्दी चीज़ें चाहिए। तो विद इन अ 1 मंथ के अंदर अपना ऑफर लेटर एडोसमेंट लेटर लो। जब आपको ऑफर लेटर एडोसमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको मिलने के बाद आपको फाइल करना होता है पीएमपी के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आपको फाइल करना होता है। वंस यू गेट द पीएनपी, आपका 95% काम कम पूरा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पीआर। सब आपको फिर उसके बाद आपको वेट करना होता है पीआर कार्ड का, जो आपको फेडरल लेवल से आता है जब आप अपनी फाइल पेंडिंग लगाते हो। अब देखो, आपको ऑफर लेटर मिल गया, एडोसमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद आपको पीएनपी लगाना होता है। इसमें आपको आईलेट्स का एग्ज़ाम, आपको मेडिकल $415 की फ़ीस होती है, ये सब आपको लगाना होता है, पहले पहले लगाना होता है, ये सब सबमिट करना होता है। यू गेट अ पीएनपी, आप कनाडा आ सकते हो, ओपन वर्क परमिट पर आ सकते हो और यहाँ पर वर्क भी कर सकते हो। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जिस टाउन में, विलेज में आप जा रहे हो उसकी पॉपुलेशन 1000 से कम है तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, 10,000 से कम है तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, 1,00,000 से कम है तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप 2 बंदे हो, 3 बंदे हो तो इतनी इतनी रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में भी बहुत कम है, अगर आप नॉक कोड, इसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से पहले इसमें पाँचों कैटेगरी आती है, नॉक कोड 1, 2, 3, 4 एंड 5, इट्स दैट इजी। जो भी आपको स्क्रीन पर जॉब शो हो रही है ये कैटेगरीज नहीं आती है, एंड इट तो आपकी जो जॉब होनी चाहिए, अगर आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करते हो, मीन्स एक होती है विद वर्क, एक होती है विदाउट वर्क, अगर आप विद वर्क भी करते हो तो मेक श्योर आपकी जो जॉब हो रूरल रिन्यूअल स्टीम के अंदर, इट शुड नॉट बी नॉन सीजनल, इट शुड नॉट बी पार्ट टाइम जॉब, इट शुड बी फुल टाइम जॉब। आपको 30 आवर पर वीक आपको काम मिलना चाहिए, 30 आवर पर वीक, आई रिपीटिंग, 30 आवर पर वीक आपको काम मिलना चाहिए, सो तभी आप एलिजिबल होगे। लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताता हूँ, अगर आपका नॉक कोड 1, 2, 3 होता है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 5 इन ईच बैंड, अगर आपका नॉक कोड 4 एंड 5 होता है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 4 इन ईच बैंड। सो इट्स डैट ईजी, बहुत ईजी होता है। और जो इसकी श्योरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ पी आर वो होती है 80-90%। अभी देखो सिनेरियो सही ठीक ठाक चल रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं हो रहे, तो आप आराम से फाइल कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट मेक श्योर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, एजेंट हो, वो फड़ियाबाज ना हो, गोलीबाज ना हो, धोखा ना करे आपको, जो वो अपने शब्द दे रहा है तो बात करे और चीज़ में आपको गारंटी दे, श्योरिटी नहीं गारंटी दे कि भैया अगर आपको मैंने बोला है 1 महीने के अंदर ऑफर लेटर एंडोर्समेंट लेटर मिलेगा तो मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे फाइल करना है पीएनपी का, और पीएनपी फाइल जब करते हो तो उसमें अभी तो चल रहा है 5-6 महीने का बैकलॉग, तो 5-6 महीने का देरी चल रहा है, तो राइट नाउ गेटिंग एन पीएनपी इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, आई विल वेरी फ्रेंकली 10-12 महीने आपको लगेगे। इफ यू आर लक्की कम भी टाइम लग सकता है, अगर लक्की नहीं हो थोड़ा सा आपको टाइम 2-3 महीने एक्स्ट्रा और भी लग सकते हैं, तो दिस नो गारंटी। अभी सिनेरियो थोड़ा सा अप एंड डाउन नहीं है, कुछ डाउन ही जा रहा है कनाडा में इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन, सो कांट से, बट यस, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अच्छी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो फॉर दिस वन, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट इन टू द कनाडा और टू गेट इन टू द पी आर पाथवे रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास लास्ट 6 मंथ्स में जो आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, बस कॉन्टिन्यूस जॉब होनी चाहिए जब आप ये फाइल करते हो रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के रिगार्डिंग। इसमें आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अपनी जॉब को तब तक मत छोड़ना जब तक आपका पीएनपी नहीं आ जाता, क्योंकि वंस यू गेट द पीएनपी आपका 95% काम पूरा हो जाता है पीआर के रिगार्डिंग। उसके बाद जॉब छोड़ना चाहो छोड़ दो, या अगर आपको लगे मुझे विद वर्क परमिट के साथ चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो कि जब आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा,
जब आपको PNP मिल जाएगा तब आप अपनी जॉब छोड़ो और यहाँ पे आओ और वर्क करना स्टार्ट करो। विद इन 3 या 4 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम टाइम के अंदर, आपको PR का कार्ड मिल जाता है फेडरल गवर्नमेंट से, जो ओटवा से आता है। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। और इसमें एक पॉइंट और है, आपका जो मैंने कहा था नॉक कोड 0, 1, 2, 3 या 4, 5 होना चाहिए, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। इसमें जो भी कैटेगरी सब कुछ शो हो रही है स्क्रीन के अंदर, ये जॉब सब कुछ शो हो रही है, ये जॉब्स नहीं आती है रूरल रिन्यूअल स्कीम के अंदर, बाकी सारी जॉब्स आती है, चाहे वो नॉक कोड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो सारी जॉब्स नहीं आती हैं। एंड जॉब शुड नॉट बी नॉन सीजनल, आई रिपीटिंग अगेन, इट शुड बी फुली, आपको फुल टाइम जॉब मिलनी चाहिए 30 आवर्स पर वीक। एंड इसका अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, देखो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है, बट इट्स ऑल डिपेंड आपके पास कॉन्टैक्ट रेफरेंस, आपके पास स्किल्स है या नहीं। रेफरेंस कॉन्टैक्ट तो बाद में बन जाएगी, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। एंड बी एक्सट्रोवर्ट, जितने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगी, जितना स्किल्स होगी, उतनी ज़्यादा लाइफ आपके यहाँ पे ईजी होगी। डजंट मैटर वेयर यू लिव इन कैनेडा, डजंट मैटर वेयर यू लिव इन द वर्ल्ड। और अब बात आपकी करते हैं कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट कितना पैसा मांगते हैं। तो यार इसमें ना मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली में इसमें मांगते हैं 45,000 कैनेडियन डॉलर से 45,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट पैसा मांगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल, बट एवरीबॉडी नोस जॉब फ्री में तो मिलेगी नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। कोई बिजनेस ओनर होगा, एम्प्लॉयर होगा, जब उसको बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं तो क्या वो चूतिया होगा जो तो किसी को फ्री में जॉब बांटेगा? नहीं बांटेगा जॉब। अगर आप भी होते तो, अगर आप भी ऐसा, अगर आपको बैठे बैठाए पैसे मिल रहे होते 20-25,000 कैनेडियन डॉलर्स, तो आप भी क्यों करते, आप क्यों किसी को फ्री में जॉब देते? सेम गोज टू देम ऑल्सो, तो फ्री में जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो LMI हो, प्री अप्रूव LMI हो, RNIPA के अंदर हो या रूरल यूनिवर्सिटी के अंदर हो। बट यस, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टू गेट इन टू द PR। बाकी अगर आपको जॉब चाहिए तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट से बोलना कि मेरे को जॉब भी चाहिए। आपको जॉब नहीं चाहिए, बैठे बैठे अपने होम कंट्री में करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो यार अब बात करते हैं RNIPA रिगार्डिंग। तो लेकिन RNIPA की बात करने से पहले आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अल्बर्टा के रिगार्डिंग। देखो यार अल्बर्टा में चीज़ें इतनी सस्ती नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, वहाँ पे चाहे PSA प्रोविजनल टैक्स 0 है, सिर्फ GST 5% लगता है, लेकिन स्टिल चीज़ें बहुत महंगी हैं, ग्रॉसरीज भी महंगी है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी कम है, और पीपल आर नॉट मच हेल्पफुल राइट नाउ बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में अटका हुआ है। और गेटिंग PR इन अल्बर्टा प्रोविंस इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सो इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन मैं कोई चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोविंस, नेचर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, मीन्स प्रोविंशियल वाइज पीपल आर हेल्पफुल, बट इन द करेंट सिनेरियो सर्वाइविंग इन अल्बर्टा प्रोविंस और इन होल ऑफ कैनेडा, इफ़ यू आर नॉट स्किल, इफ़ यू नॉट हैव अ डाइवर्स इनकम, देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखो जितने ज़्यादा आपके पास बिजनेसेस होगे, जॉब्स होगी और पैसा कमाने का तरीका आ तो होगा, तब आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी है पूरे कैनेडा में। और चीज़ें बहुत महंगी हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है, कार्बन टैक्स है, इन्वायरमेंट फी टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस है, मतलब बहुत सारे बेकार के फालतू के टैक्सेस हैं इन शॉर्ट। तो मेरे हिसाब से अगर आप अल्बर्टा आ रहे हो, इवन पूरे कनाडा में आ रहे हो, तो मेक श्योर बी मेंटली स्ट्रांग, बी एक्सट्रोवर्ट, हैव सम रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट या बनाना। अगर स्किल्स नहीं है, लर्न इट, चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, शेफ़ के रिगार्डिंग हो, कुकिंग के रिगार्डिंग हो, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो, कम्युनिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीवन स्पीक इंग्लिश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात की बात है, लेकिन ये सब कुछ आपको आना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे स्किल्स है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सीख के आओगे, इट विल हेल्प यू पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही पैसे कमा पाओगे, ना ही अपने एक्सपेंस निकाल पाओगे, ना ही रेंट ग्रॉसरीज पे कर पाओगे, ना ही आप खुश रह पाओगे। तो आपको एक ही चीज़ लगेगी आपके माइंड में कि मैं क्यों ही आया, इतना जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारा यूज़लेस हो गया। सो मेक श्योर यू शुड हैव आवर स्किल्स एंड बी एक्सट्रोवर्ट, रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना। तो सीधा बात करते हैं अब RNIPA के रिगार्डिंग। RNIPA मीन्स रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पहले ये पायलट था क्योंकि ये टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट हो गया है। सो ये परमानेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर 11 कॉम्युनिटीज आती है, 5 ओंटारियो में, 1 अल्बर्टा में, 1 सस्कैचवान प्रोविंस के अंदर, 1 मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर और 1 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। लेकिन मैं इसमें सिर्फ बात करूँगा अल्बर्टा प्रोविंस के रिगार्डिंग, जो एक सिटी आती है क्लेरेस्ट्रॉम। तो इस जगह पे अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो, 1 एक्सपीरियंस लेते हो, ओनली 1 एक्सपीरियंस लेते हो, तो आप फाइल कर सकते हो RNIPA के अंदर, रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर।
अगर आपने यहाँ पे स्टडी करते हो, स्टडी वीज़ा पे आते हो, 2 ईयर की स्टडी करते हो, इट शुड नॉट बी 1 ईयर, इट शुड नॉट बी 1+1, इट शुड बी 2 ईयर कॉन्टीन्यूस एजुकेशन, डेट मीन 16 मंथ्स, लेकिन 4 महीने का तो भाई समर ब्रेक होता है, इट शुड बी कॉन्टीन्यूस 2 ईयर्स, इवन इफ़ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल अंडर द RNIP, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि इसमें 100% आपको रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ PR। जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टडी है, 2 ईयर की स्टडी है, 0 एक्सपीरियंस है, आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग का हो और आप किसी और प्रोविंस में हो और आप यहाँ पे मूव होने वाले हो या मूव होना चाहते हो RNIP के अंदर, अगर आपको लगे मुझे बैठे बैठाए जॉब मिल जाए या मुझे इवन इफ़ यू हैव अ स्किल्स, स्टिल गेटिंग अ जॉब इट्स नॉट दैट ईजी। द रीज़न इज दैट कि लोग जॉब बेचते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जॉब बेचते हैं थ्रू द इमिग्रेशन कॉल सेंटर और एजेंट और डायरेक्टली, बिकॉज आराम से देखो हर कोई यहाँ पे इसलिए मूव होता है इन जैसी 11 सिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग अल्बर्टा, कि उन्हें PR चाहिए होता है, टू गेट अ PR as soon as possible। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, और वो चाहते हैं कि फ्री में हम क्यों जॉब किसी को दें, हम किसी को जॉब दे रहे हैं तो हम पैसा भी कमाएं। और जॉब आपको वही दे सकता है जिसका जो बिज़नेस है जो 2 ईयर्स पुराना वही RNIP के अंदर आता है, इसका बिज़नेस दूसरा पुराना होगा वही RNIP के अंदर फाइल कर सकता है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप जिस भी एम्प्लॉयर के पास जाते हो उससे पहले ये बोलना कि मुझे आप RNIP में मुझे हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसमें आपको जॉब ऑफर लेटर, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द कम्युनिटी और लास्ट 3 ईयर्स में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने वहाँ से स्टडी नहीं करी है तो, जब आपका उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से या आप कैनेडा के आउटसाइड से भी करते हो तो फाइल करते हो, ऑफर लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स में आप फाइल कर सकते हो RNIP के अंदर। और आपका जो जो रिज़ल्ट है इन टर्म्स ऑफ PR, तो राइट नाउ इट विल टेक अराउंड 5 to 6 मंथ्स, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा कम भी लग सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लक, बट यस 5-6 महीने तो आराम से लग रहे हैं अभी, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप RNIP में कहाँ जा रहे हो। अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहो तो 4-5 महीने में मिल जाता है, ओंटारियो में कहो तो वहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से होता है तो वहाँ पे 7-8 महीने मिल सकता है। एंड सेम गोज़ टू ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचवन और मैनिटोबा प्रोविंस में जो एक सिटी है ब्रैंडन, सस्कैचवन में है मूसे जॉ, तो यहाँ पे लग रहा है 4 से 6 महीने के बीच में RNIP में PR के लिए रिजल्ट आने में, सो इट्स ईजी। बट अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहो तो 5 से 6 महीने में आपको मिल जाता है, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर लक एंड हाउ मैनी पीपल आर फाइल्ड फॉर द RNIP, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और जॉब्स के रिगार्डिंग कहो कि जॉब कैसे मिलेगी यहाँ पे, देखो अप्लाई करोगे ऑनलाइन Indeed.ca, JobsBank.gcca पे, जितनी मर्जी जॉब अप्लाई कर लो, जितनी मर्जी अप्लाई कर लो, इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल्स, आप स्किल जॉब में नहीं अप्लाई कर रहे हो, शेफ कुकिंग में नहीं अप्लाई कर रहे हो, मशीनरी साइंस में नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो गेटिंग अ जॉब इट्स नॉट दैट इजी। जॉब मिलेगी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, एजेंट से बात करो, थोड़ा बहुत आपको देना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा, चाहे इंस्टॉलमेंट्स में दो या वन टाइम में दो, बट यस तभी पॉसिबिलिटी है। और तभी तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जितनी भी जॉब्स मिलती है यहाँ पे आज के टाइम पे 80-85% फेक जॉब मिलती है, जैसा मैटर किसी भी जगह पे जाते हो आपको 80-85% फेक जॉब मिलती है, क्योंकि आपको जॉब यहाँ पे लोग बेचते हैं स्पेशली LMI के थ्रू। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कमिंग टू कैनेडा राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो, बड़ा अप एंड डाउन है, चीज़ें बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है, और चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, एक्सपेंसेस हो, रेंट हो, लाइफ हो, लाइफ में भी बहुत मतलब अप्स एंड डाउन है। इवन का टैक्स सिस्टम बहुत बकवास है, बेकार भी नहीं है, बहुत ही बकवास वाहियात टैक्स सिस्टम है यहाँ पे, बट यस अगर आपको पैसा कमाना आता है तो आपकी लाइफ ईजी है। और पैसा यहाँ पे इलीगल तरीके से ज़्यादा कमाया जाता है, लीगल तरीके से तो यू नो कि इतना नहीं होता, बट स्टिल अब जो जैसा है वैसा ही है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कैनेडियन गवर्नमेंट, वी आर नॉट द IRCC, सो कांट से एनीथिंग, बट यस जो मैं आपको बताना चाहता था, यू हैव टू अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि विच प्रोफाइल इज गुड फॉर यू, एंड इफ यू नीड एनी मेडिटेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।